जय श्रीमान नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुज दास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी। सांख्य योग श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का योग शास्त्र सिखावता हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन तू इस शरीर में इस संसार में मौजूद रहा, शरीर से जुड़ी चीजें तो कब मिलत रहा थी। चूंकि तू इस दुनिया में मौजूद रहा इसलिए सांसारिक घटनाओं के अनुभव करत रह बा, तो का इस तरह की घटनाओं के अनुभव करत रहे के चाहिए। कहे कि हमका भगवान की सेवा के लिए करे कहे, इसलिए ये सब चीजें हमका भगवत सेवा के लिए मिली हैं। इसी तरह अपने मन का हमरे अलावा किसी और चीज की ओर मत भटके दे। जब तू ऐसा करे में लापरवाही कर बे तो तू सांसारिक घटनाओं से संबंधित विचारों का अपने अंदर समाहित करत रह बे। ऐसे तोरे मन में आत्म ध्यान और मनन रुक जाए। इस दुनिया में समुद्र में खतरनाक और तीव्रता से बहे वाले पानी के समान प्रचुर मात्रा में सुख भी आए। तुहार इंद्रियां उन सुखों के पीछे भागत रहा थी और तू लगातार सोचा था कि हमका ई चाही हमका ऊ चाही। तुहार इंद्रियां उन सुखों के पीछे भागे वाले बवंडर के समान हैं। बवंडर की तरह तुहार बहती हुई इंद्रियां तोरे मन का अपने लक्ष्य को प्राप्त करे से अपने गंतव्य तक पहुँचे से जबरदस्ती भटकावत रहा थे और तू ध्यान और आत्मा के प्राप्ति के बारे में पूरी तरह से भूल जाबा। तू इन बहती इंद्रियों में डूबे के मतलब है कि इस संसार में डूबता है। संसार के अर्थ है कि तू जन्म और मृत्यु के इस चक्र में खिंचे रह गया। ऐसा कब हुआ था? जब तुम्हारा मन जबरदस्ती अपने लक्ष्य और मंजिल से भटकत रहा थे और खींच लीन जाते है। तुम्हार मन काऊ खींचता है? तुम्हार इंद्रियां, तुम्हार इंद्रियां तोरे मन का काहे खींचती हैं? काहे कि अनुभव करे के लिए बहुत सारे सुख हैं और तुम्हार इंद्रियां उनकी तरफ आकर्षित हो रहा थी और तुम्हार मन भी उन सुखों की ओर जबरदस्ती आकर्षित हो रहा थे। जब तोरे मन में सांसारिक विचार आवे लगे हैं तो यह खतरा रहा थे जेका आपको सामना करे पड़ा थे। तोरे मन का उच्च आदर के साथ हम पर स्थित करा, सभी घटनाओं के अनुभव करते हुए भी उन अनुभवों के बारे में हम पे विचार में लियाओ, हमारे साथ अपने रिश्तों को उन अनुभव में लियाओ। इस प्रकार भगवान हमारे अच्छे कल्याण की कामना करे वाले हम सबका स्पष्ट रूप से समझावता है और अनुग्रह करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में भगवान के साथ अपन रिश्ता कैसे मजबूत बनाए। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन,
हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करें। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कहे हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। ॐ इन्द्रियाणां हिचरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत।
एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत है। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।